अपन फर्स्ट वाला एपी लिखते हैं सबसे पहले, एपी और 8, -3, -2 डेटा डेस्क के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी में उसने बोल दिया कि 22 जानी तो ये बहुत दूर तक है ना, जाएगी तो बहुत दूर तक, लेकिन हमें सिर्फ कितने पदों तक का ज्ञात करना है, 22 22। इट मीन्स एन की वैल्यू इसमें कितना होना, 22 22 पदों का योग पर। और जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इसमें अप्लाई करना है। तो एस एन जो है योग चाहिए वो कितने का, 22 का, 22 पदों का, 22 बटा 2, 2 और ए की वैल्यू कितनी होगी 8, और एन माइनस वन मतलब 22 माइनस 1 1, और डी का वैल्यू कितना होगा, हर बार 8 में से डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, डी बराबर कितना आ जाता, माइनस का 5 यहाँ पर रख लेते हैं। ये 22 बटा 2 का मतलब होता है 11, 8 दूनी 16 प्लस 22 में से एक जाएगा 21 और 21 माइनस का है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, और 5 एकम 5, 5 दूनी 21 पंजे 105, 16 माइनस करेंगे तो पहले तो 5 माइनस करो कितना बचेगा, 100, 100 10 माइनस करो 90, एक और माइनस कर दो 89, 11 9 99 हासिल करो, 11 88 8 8 16 96 और एक 97। S22 का वैल्यू कितना आएगा, 979, ठीक है। तो 22 पदों का योगफल, और दूसरी बात ये 105 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, और इसकी वजह से ये आंसर भी, क्योंकि सीरीज देखो ना यहाँ से कैसी स्टार्ट होगी, नेगेटिव, तो आगे भी नंबर जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आना स्टार्ट। तो एस 22 पदों का योगफल कितना होगा, माइनस का 979, ठीक करो उसको। नंबर 2 देख, इसमें क्या दिया हुआ है, एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल, एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल। इन क्वेश्चन को करने के लिए ना जो जो चीजें दी हुई है उन चीज को पहले उठाओ। एक एपी है जिसके प्रथम 14 पद, प्रथम 14 मतलब एन का वैल्यू इसमें दे दिया, पद अगर आ गया वर्ड किसी नंबर के पीछे तो वो किसका मान होता है, एन का मान, एन बराबर कितना बोल दिया इसने, 14 पदों का योगफल, इसका मतलब है एस 14 की वैल्यू दे दी, पदों का योगफल कितना दे दिया इसने, 1050 है ना, तथा इसका प्रथम पद दे दिया, प्रथम पद कितना दे दिया 20, तो इसका 20वां पद ज्ञात करो। अब ये जो 20वां पद पूछा है, ये पद पूछा है, इसका 20वां पद क्या करो, इसका मतलब है ये 20वां पद इसने पूछा है, इसका योग नहीं पूछा, ये 20वां पद की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं वो सारी योगफल वाली दी गई है, तो दोनों जगह फॉर्मूले अलग अलग अप्लाई होंगे, ये मन में अभी से ही बन जाना चाहिए। अब अगर 20 एन बराबर 20वां पद निकालना है तो जरूरत किस किस की पड़ेगी, ए डी डी एन तो दे दिया, लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में कहीं डी दिख रहा है क्या, नहीं। अब अगर इसमें योग दिया है इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्लाई भी करा होगा, है ना, हमें चाहिए डी का मान, डी का मान। तो हमारे पास ऑप्शन तो कौन सा वाला बच रहा है, ये वाला एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यहां से हम क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे और फिर उस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे, ए का मान तो दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। एस एन का वैल्यू कितना दे दिया, 1050, एन की वैल्यू कितनी दे दी, 14। अब ये एन की वैल्यू और वो दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, ये योगफल वाली है और वो पद है उस नंबर वाला, है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद टू ए की वैल्यू 20 प्लस 14 माइनस 1 गुणा डी डी, दो से इसको काट सकते हैं, 2 7 14, और अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर में है तो इससे इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7 बचेगा 3 57 35, कितना जाएगा 150 बराबर 20 2 40 40 धन 13 के साथ डी, ये 40 को यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 13 डी इज इक्वल टू 110
डी इज इक्वल टू 13 के टेबल में ये तो आता नहीं है, तो 110 अपॉन 13, ये हमारे को किसका दो मिनट कहीं गलती हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, 40 इसमें से जाएगा तो 110 ही बचेगा ना, और 14 उसका दिया है तो 13 डी कुछ गलत है यार। हाँ ए का ये जो मान है ना ये 10 दिया है, ये ए का मान 10 दिया है तो उस हिसाब से ये ए का मान 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये जाएगा तो 13 बचेगा और 13 को काटेंगे तो 10, ठीक है तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बस हमें यही तो चाहिए था। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें चाहिए 20वां पद तो t ऑफ 20 चाहिए, a का वैल्यू 10, n का वैल्यू 20 माइनस 1 और d का मिल गया कितना 10, t ऑफ 20 इज इक्वल टू 19 190 और 200, t ऑफ 20 कितना आ गया 200 करो। क्वेश्चन नंबर 13 एपी दी हुई है, कितने के कितने पद लिए जाएं ये बता दो। अब क्वेश्चन को पढ़ने से ये चीज समझ आती है कि ये निकालने के लिए क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज समझ आती है, जैसे कि एपी दी है 24 फिर 21 फिर 18 और ऐसे करते करते डेल्टा टेस्ट कर दिया के लिए कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना आ जाए, योग आ जाए उनका 78। तो उसने क्या बोला इसमें कितने पद लिए जाए कि उनका योग कितना आ जाए 78, इसका मतलब है n का मान इसने क्या करा हमसे पूछा कितने पद, कितने पद मतलब n का मान, n ही तो होता है पद, कितने तो यही तो निकालना है sn। अब s ऑफ n का मान उसने कितना वो रखने के लिए बोल दिया, अच्छा कितना ही होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला लिख लेते पहले, तो एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद एन वैल्यू माइनस का 3, ठीक है। एस एन का जो योग होना चाहिए मतलब कितने पद हो जिनका योग 78 ही हो, तो ये हमने लिख लिया 78। एन वाई टू का मान हमें निकालना है, एन का मान है ना, और टू ए प्लस एन ए की वैल्यू कितनी 24 एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी माइनस का 3, इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 8 दूनी 16 156 7 दूनी 14 और 1 15 एन 48 प्लस माइनस 3 का गुणा करो अंदर है ना, तो माइनस 3 का गुणा करने पर ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस और प्लस का 3, ठीक है। अब 48 और 3 को ऐड कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो, 51 माइनस 3n, ठीक है 51 माइनस का 3n 156 बराबर n 51 माइनस 3n, अब n का गुणा कर लो 156 is equals to 51n minus 3n square, ठीक है। अब इससे एक वर्ग समीकरण बना लो, वर्ग समीकरण बनाते समय क्या कर रहा है 3n square को इधर लेके जा रहा है, तो ये हो रहा है 3n square, ठीक है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव जाएगा, 51n को उधर लेके जा रहा है पॉजिटिव है तो माइनस और ये तो है ही यहाँ पे पॉजिटिव, 156 और बराबर को जब क्या बचेगा 0 बचेगा। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, हाँ है ना, एन स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 3 सत्ते 21 3 पांच 15 3 दूनी 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड आगे, और इस गुणनखंड मेथड में ये कंफर्म है कि कभी भी एन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, एन का वैल्यू हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, दो नंबर आ नहीं सकते, किन्हीं भी दो नंबर का मतलब कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 11वां पद तक जोड़े तो भी 78 आ जाए, 12वें पद तक जोड़े तो भी 78 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जिसका योग जितने पदों तक का योग कितना होगा 78 होगा। अब इस गुणनखंड में क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल दें,
52 लेके आना है ना, गुणा करने के बाद 14 चौको 56, 13 छब्बीस 13 चौको 13 और 4 17। तोड़ने का और भी उपाय है, 17 को सबसे पहले 16 और 2 1 में तोड़ोगे तो आप पीछे पीछे के नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो, हमें चाहिए 2, 16 और 1 का गुणा कितना आएगा, 6 एकम 6 नहीं हो सकता, 15 और 2 का कॉम्बिनेशन देगा 5 दूनी 10, 0 नहीं चाहिए, 14 और 3 का कॉम्बिनेशन 4 किया 12 दे सकता है, और है भी 14 और 8 14 3 14 3 42 का है, 14 3 17 तो है, 4 3 12 भी आ जाएगा, लेकिन क्या 14 3 14 8 14 3 42 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे 13 और यहाँ पे 4 है ना, 4 3 12 2 आ रहा है, 14 और 3 और 13 और 4 17 भी है, 17 भी, इसका मतलब है हो सकता है, हो सकता है, और 13 को भाग हो भी रहा है ना, क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का 4n है ना, और प्लस का 52 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन लो, अंदर बचेगा n माइनस 13, और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लो, अंदर बचेगा n माइनस 13 बराबर 0। अब हमारे पास एक तो वैल्यू आएगी n माइनस 13, और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास n बराबर 4, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू आएगी, एक आएगी n बराबर 13 और एक आएगी n बराबर 4, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम वाली बात होगी है ना, n का मान दो अलग अलग मान आ गए, और इस पूरी सीरीज में तुम्हें क्या लगता है, 3 पदों का योगफल 78 के बराबर हो जाएगा या 13 पदों का योगफल 78 के बराबर होगा, 20 40 और थोड़ा बहुत मान लो 20 या 60 नहीं होता, एक चौथा पद और मान लो, चौथा पद हो है ना, हाँ माइनस 3 और कर दो 15 तो इसको अपन ने 20 माना है ना, हाँ। और इसको भी 20 माना है, तो ये 5 यहाँ से 4 बच रहा है, यहाँ से 1 बच रहा है, यहाँ से माइनस का 2 हो रहा है, टोटल 5 माइनस 2 यहाँ 15 आ जाएगा, 15 मतलब माइनस का कितना हो रहा है 5, पूरे को 20 मान लिया, 20 40 60 बीचों को 80 और 5 85 में से माइनस कर 7 कर दो 78 आ रहा है, हाँ। तो n का मान कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 13 नहीं हो सकता, 13 n का मान 4 है ना, और इनकेस 13 नंबर अगर हुआ भी तो वो कैसे हो सकता है कि ये सारे नंबर पॉजिटिव चलेंगे, कहाँ तक, जीरो तक, जीरो तक, जीरो के बाद सारे नंबर कैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव, और जब उनका योग करेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को माइनस आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, बट देख दे रहे हैं क्या 13 नंबर पर है ना, तो दोनों अब चूंकि दोनों पॉजिटिवली आ रहे हैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, 13 तक के पद शायद ऐसा हो सकता है, कौन सा 1 2 3 4 मतलब कि 5 6 7 8 9 नौवे पद तक तो जीरो तक पहुंच जाएगा, 9 के बाद जो पद चलेंगे वो नेगेटिव पद है, और फिर ये नंबर धीरे धीरे छोटा भी होता जाएगा है ना, तो 9 के बाद जो 4-5 नंबर आएंगे वो इनको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यही नंबर वापस से हमारे पास रिपीट होंगे 24 21 18 और 15, इसके बाद के सारे नंबर जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो चूंकि आंसर में दोनों है तो दोनों ही मान संभव होंगे अभी तो, लेकिन कहीं पर अगर नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा, और क्या हो सकता है, बाकी एक ऐसी कंडीशन आ सकती है, अगर ऐसी आ रही है तो फिर दोनों को रोक है ना, दोनों आंसर ठीक है करो इसको। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें एक फॉर्मूला सबसे शुरू में पढ़ा है हमने, ये योगफल वाली सीरीज में, जिसमें कि अगर किसी सीरीज का पहला पद और आखिरी पद पता हो तो उसमें वो वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। इस सीरीज में थोड़ा सा क्या है कि इसको हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, और आगे जो भी नंबर तक पूछा गया है तो उसकी जो काउंटिंग है वो 1/1 ही होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसलिए ज्यादातर जो योगफल में यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है ना, हाँ। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, ये वाला तभी यूज होता है जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और 1/1 हो है ना, जो डिफरेंस है वो 1 2 3 4 5 डी की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे डी का मान रखा ही नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ रही है, तो पदों की संख्या भी पता होनी चाहिए है ना, पदों की संख्या पता होनी चाहिए और फिर वो 1/1 होनी चाहिए,
जैसे कि मान लो उससे उसने पूछ लिया कि आप हमें योगफल बता दो नाइन से, नाइन फिर टेन इलेवन, ऐसे करते करते आप हमें बता दो थर्टीन तक का योग है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वन से लेकर एट तक का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर वन या एक काम करते वन से लेकर कहां तक कर लेते, पूरा थर्टीन तक अप्लाई कर लेते, वन से लेकर यहीं तक करना पड़ेगा, वन से लेकर थर्टीन तक कर लेते और वन से लेकर, हाँ वन से लेकर पूरा का पूरा थर्टीन तक कर लो, कितना थर्टीन तक, थर्टीन। तो अब ये सीरीज वन से स्टार्ट हो गए, एंडिंग कहां पे हो रही है थर्टीन पर, तो यहां से यहां तक कर सकते। अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, वन टू थ्री प्लस डेड एंड एस कहां तक का, एट, एट तक का, सिंपल है ना। अब जैसे ये वाली सीरीज थी, इसमें हालांकि ये भी यूज कर सकते थे हम लोग, क्या करना पड़ता, पदों की संख्या निकालना पड़ता और यहाँ पे लगा सकते थे डायरेक्ट, है ना, ए का वैल्यू पता था और बाकी सब पता था। लेकिन अगर इस वाले से करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 30 तक का योग लेना पड़ेगा और उसमें से माइनस फॉर्मूला यूज करके वापस से 1 और 8 घटाना पड़ेगा, तब जाके इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया इसने कि प्रथम हजार, प्रथम हजार धन पूर्ण, धन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक का योग। इसका मतलब है कि धन पूर्णांक कौन होता है, वन होता है, फिर टू, टू थ्री, ऐसे ये सारे धन पूर्णांक है, हाँ। है ना, इनका एक हजार धन, एक हजार प्रथम जो एक हजार होंगे, एक दो तीन करते करते प्रथम जो एक हजार होंगे उनका क्या करना है, योग, योग निकालना। तो ये हमने लगा दिया डैश, हमें ये पता लग गया एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे दी इसने, है ना, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, क्योंकि हर एक उसका निकालना है तो अब D की जरूरत ही नहीं है। इसने क्या बोला, प्रथम से स्टार्ट करा और कहां तक जाना है, हजार तक, और कंटिन्यूअसली जाना है, सब पॉजिटिव है और सब पूर्णांक भी है और धन भी है, धन भी। तो इसमें क्या यूज कर सकते, एस एन इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन अपॉन टू, ये यूज कर सकते हैं। एन की वैल्यू उसने बोल दी कितनी, हजार, एक हजार और एक हजार धन एक और बटे में कितना दो, ये कितना आएगा 500, 500 और एक हजार में इसको जोड़ेंगे तो एक एक जीरो एक, ठीक है। अब ये दो जीरो तो आएंगे ही आएंगे, पांच का गुणा एक में एक, फिर जीरो जीरो और फिर पांच आ गया, आ गया। ऐसे करके अगर कोई कंटिन्यूअसली वाली सीरीज है ना, तो फिर उसका आंसर ऐसे निकाल सकते, बट अगर कंटिन्यूअसली नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस उसको बनाओ फिर निकालो, और अगर नहीं ऐसा करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो भी आंसर आएगा। तो जो भी अपने को करना है, अब दे दी तेरे को प्रश्नावली पूरी करने के लिए।